हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में फ्री फायर की टॉप 3 अपकमिंग इवेंट्स एंड अपडेट देने वाला हूँ। न्यू अपडेट, न्यू टॉप अप इवेंट, न्यू लकी व्हील इवेंट एंड डायमंड रॉयल वाउचर, वेपन रॉयल वाउचर, इनक्यूबेटर वाउचर क्रिएट जो हमारे अपकमिंग फ्री फायर में आने वाला है। तो नंबर 1 अपडेट जो है दोस्तों, हमारा न्यू टॉप अप इवेंट। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख लो, ये बैकपैक टॉप अप इवेंट, ये हमारा फ्री फायर का नेक्स्ट टॉप अप इवेंट है। एक बैकपैक है, तो बैकपैक मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा भारी भरकम है लेकिन फिर भी अच्छा लगा। 2 लेवल का आप लोग देख सकते हो ऐसा है, 3 लेवल का आप लोग देख लिया एंड 1 लेवल का उतना खास नहीं, लेकिन बैकपैक मुझे बहुत अच्छा लगा। तो 500 डायमंड में भी दे सकते हैं या फिर 300 डायमंड टॉप अप में भी। तो आएगा तो आप लोगों की नहीं मुझे कमेंट में बताना। एंड नंबर 2 अपडेट हमारा है जो लकी व्हील में आने वाला न्यू बंडल है, वो बंडल फीमेल बंडल आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख लो। गाइस, ये बंडल हमारा लकी व्हील का अपकमिंग बंडल है इवेंट का, जो बर्ड बंडल है, इसका नाम बर्ड बंडल है। तो मुझे तो बंडल बहुत ओपी लगा, इसका शर्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शर्ट थोड़ा सा, एक बंडल मेरे पास है उसके जैसा है एंड पैंट भी मुझे अच्छा लगा। शूज़ तो थोड़ा सा आग निकल रहा है, फायर, तो शूज़ भी अच्छा लगा एंड हेयर भी काफ़ी मस्त है, ओपी हेयर है। तो बंडल तो आएगा, आप लोगों की नहीं कमेंट में बताना। एंड हमारा जो नंबर 3 मतलब लास्ट जो अपडेट है वो है हमारा एक न्यू क्रिएट जो हमारा फ्री फायर ऐड करने वाला है, मतलब 22 मई को ऐड करेगा, 22 या फिर 21 मई को हमारा एक क्रिएट ऐड करेगा, जिसमें आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख लो। इसमें गाइस अप टू 60% ऑफ में डायमंड रॉयल वाउचर, इनक्यूबेटर वाउचर एंड वेपन रॉयल वाउचर एक एक करके मिलेगा। तो मुझे तो काफ़ी मस्त लगा, इनमें से बहुत कुछ हम लोग ले सकते हैं एंड डायमंड रॉयल निकाल सकते हैं, वेपन रॉयल निकाल सकते हैं, इनक्यूबेटर भी निकाल सकते हैं। तो मुझे काफ़ी मस्त लगा, आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट में बताना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँगा आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।